नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे सुनी जाती है अपनी आत्मा की आवाज़, कैसे हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। दोस्तों आत्मा की आवाज़ सुनना बेसिकली हमारे ज़मीर की आवाज़ होती है, जो अक्सर हम आम ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। इसको सुनना बहुत आसान है अगर आप इसकी दस्तक को समझो और इसको यूँ कह लो महत्व दो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सी मुसीबतों से, बहुत से बुरे कर्मों से खुद को बचा पाओगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अक्सर कहा जाता है कि एक इंसान के एक तरफ शैतान बैठता है और एक तरफ जो है उच्च अच्छी आत्मा बैठती है। तो अच्छी आत्मा अच्छा गाइड करती है, बुरी आत्मा बुरा गाइड करती है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि हमारे ही दो वर्जन होते हैं, बुरा और अच्छा, और अच्छी वाली हमारी जो अंदर की प्रवृत्ति होती है हमें अच्छा करने के लिए गाइड करती है, बुरी वाली प्रवृत्ति बुरा करने के लिए गाइड करती है। हम किसकी सुन रहे हैं ये मैटर बहुत करता है। सही मायने में जो हमारी ज़मीर की आवाज़ होती है, हमारी आत्मा की आवाज़ होती है, हमारी कॉन्शियस की आवाज़ होती है, ये हमें कहीं ना कहीं गलत करने से बचाने की कोशिश करती है, पर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को भी मारने जा रहे हो, पीटने जा रहे हो, तो वो एक्ट करने से पहले कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसा होगा कि आपका गला सूखेगा, आपके दिल की धड़कन तेज़ बढ़ेगी, कोई ना कोई चीज़ आपको कहेगी कि नहीं ये करना ठीक नहीं है, आपको खुद ही वो होगा कि भाई ये गलत है करना। और ये बहुत फ्रेगमेंट ऑफ सेकंड्स में ये होता है, आप पर आप अपने अंदर की जो नेगेटिव साइड है, जो क्रूअल साइड है, उसको हावी होने देते हो। आप कहते हो नहीं सही है, इसने मुझे ये बात कैसे कही, अब तो मैं इसको मारूंगा, या इसने मुझे प्रोवोक किया अब तो मैं इसे मारूंगा, या मुझे ये बंदा पसंद नहीं, तो आप सीधा एकदम हाथापाई पे आ जाते हो किसी के साथ। वो जो हाथापाई शुरू होने से पहले जो एक सेकंड्स के उस प्रकरण में आपका गला सूखता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, आपको एकदम एक हेजिटेशन सी होती है करने को, फिर एकदम आप उसको छोड़ देते हो, वो होती है आपकी कॉन्शियस, वो आपकी ज़मीर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ कि ये मत करो, पर आप इग्नोर कर देते हो। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान रिश्वत ले रहा है, तो उसको एक मिनट के लिए बहुत ही जो है कुछ भी अगर वो क्यूट करता है अमाउंट की इतनी रिश्वत चाहिए सामने वाले को, तो वो क्यूट करते हुए उसको एकदम से हल्की सी सेकंड्स के लिए घबराहट होती है, दिल तेज़ी से धड़कता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो क्यूट करता है, वो जो एक मोमेंट होता है वो होती है आत्मा की आवाज़ के मत करो। इसी तरीके से कोई भी है एक मिनट के लिए, किसी कोई टीचर है किसी बच्चे को ज़बरदस्ती फेल कर रही है अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए, जब वो पेपर चेक कर रही होगी उसका, तो जब वो उसको फेल करने जा रही होगी, नंबर काट रही होगी, तो एक सेकंड के लिए उसके साथ भी ऐसा होगा, दिल की जो हार्ट बीट्स है वो बढ़ जाएगी, हल्का सा एक पॉज सा होगा, वो सेकंड्स में होगा प्रकरण, वो आत्मा की आवाज़ होगी कि ऐसा मत करो, उसका भविष्य खराब मत करो। पर हम अपनी ईगो, अपनी खुंदक के आगे, अपने घमंड के आगे, अपने अहम के आगे कुछ भी नहीं टिकने देते, इस आवाज़ को ऐसे दबा देते हैं जैसे मैटर नहीं करती। अस्पतालों में पेशेंट्स को बर्बरता से मार दिया जाता है, बहुत अस्पतालों में ऐसा होता है, वेंटिलेटर हटाया, नए को बिठा दिया, वहाँ आत्मा की आवाज़ यूँ कह लो कि अगर एक मिनट के लिए किसी वर्कर की, हॉस्पिटल के वर्कर की जागे भी, तो वो मजबूर है क्योंकि वो काम करता है अंडर, वो जो है, और हॉस्पिटल हो सकता है उसको ये दबाव डाले कि नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईसीयू तक पहुंचाना है, अगर एक मिनट के लिए किसी हॉस्पिटल की प्रवृत्ति नेगेटिव हुई तो। इसी तरीके से कोई क्रिमिनल है, वो किसी को मार रहा है, कुछ है कर रहा है, तो उसके अंदर अगर एक सेकंड के लिए भी अगर वो हुई कॉन्शियस, तो वो इतनी दब चुकी है कि वो उसको कभी देखता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं कि जिनकी ये जो आत्मा की आवाज़ है, जो ज़मीर की आवाज़ है, ये पूर्णतः दब चुकी है, उन्होंने इसका गला खुद ही घोट दिया है। अब उनका अगर हल्का सा दो मिनट के लिए गला भी सूखे, जी भी हल्का सा वो हो, मचले, या हल्का सा भी दिल की धड़कन तेज़ हो कुछ भी गलत करने से पहले, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत लोगों का तो ऐसा होना भी बंद हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को इतना इग्नोर किया है, अपने ज़मीर को इतना इग्नोर किया है कि अब बुरा करते हुए तो उनके हाथ नहीं काँपते, उनका दिल नहीं घबराता, उनका जी नहीं घबराता, उनको ईश्वर का डर नहीं, उन्हें कर्मों का डर नहीं, उन्हें बस एक ही वो चीज़ है कि भाई हवस है पैसे की, दौलत की, साजो सामान की, झूठी शान की, घमंड की, बदला लेने की भावना है, नकारात्मकता से भरे हुए हैं। तो उनके आगे आत्मा की आवाज़, ज़मीर की आवाज़, ये शब्द जितने भी हैं किताबी हैं,
वो भले ही इन्हें किताबी समझते रहे पर वो भूल जाएंगे और ये चीज़ भूल चुके हैं कि जो तुम लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, लूट रहे हो, अपराध कर रहे हो, या किसी का भी घर तोड़ रहे हो, या किसी से को भी परेशान कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ भी रिपीट होंगी, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाया, अपने ज़मीर को दबाया। अब वही ज़मीर, वही आत्मा की आवाज़, वही हमारे अंदर विद्यमान हमारा चेतन मन विवश है आपके लिए वही प्रारब्ध रचने के लिए, और इसी अवचेतन मन के कारण आप वही काम दोबारा आपको वही परिस्थितियों में डाला जाएगा, और इस बारी आप भुगतोगे जिस तरीके से आपने दूसरे को भुगतवाया है। लोग बदल जाएंगे, रोल बदल जाएंगे, स्थान बदल जाएंगे, रूप बदल जाएगा, पर दर्द उससे कहीं गुना मिलेगा जितना आपने दिया है। हम अगर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी आत्मा की आवाज़, अपने ज़मीर की आवाज़ को समझने का प्रयास करें तो हम बहुत हद तक समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी वर्कर को पैसे के लिए डुला रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, किसी नौकर को, नौकरानी को, चक्कर काट रहा है, चार नहीं दे रहे पैसे, मन में खुश हो रहे हो कि चलो इसको डुलाओ, वो आपको अपनी मजबूरी बता रहा है कि मेरे को किराया देना है, मेरे पास ये दिक्कत है, आप कह रहे हो नहीं मजबूरी नहीं, बहाने होते हैं इन लोगों के, पैसे आपको जब भी देने हैं पर आप उसको रुला के दे रहे हो। एक सेकंड के लिए आपको ये होगा कि दे देते हैं, बहुत ही जल्दी चलता है ये प्रकरण, जो ज़मीर की आवाज़ होती है, आत्मा की आवाज़ होती है, बहुत ही फास्ट होता है ये प्रकरण, पर आप कहोगे नहीं नहीं देने, देंगे दो दिन बाद। यहाँ अगेन आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को, अपने ज़मीर को दबा दिया, वो परेशान रहा बिना पैसे के, उसको परेशानी झेलनी पड़ी, घर गया, आपको बद्दुआ दी, गाली दी कि इसके कारण मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप अपने आत्मा की आवाज़ दबा के राजी हो गए कि मैं तो कोई बुरा कर्म करता ही नहीं हूँ कभी। आप अगर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो, आत्मा की आवाज़ सुनो, तो ऐसे छोटे छोटे अनगिनत लाखों बुरे कर्म हम अपने जीवन में कर गिरते हैं, रोज़मर्रा में ही कर गिरते हैं स्वयं बुरे कर्म, और हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपने ज़मीर को मार चुके हैं, अपनी आत्मा को मार चुके हैं। हम कहते हैं बाकी सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, सब कुएं में गिर रहे हैं हम भी गिरेंगे, बाकियों को तो कुछ नहीं होता, वो बुरा करते हैं वो तो खूब मौज ले रहे हैं, उन्होंने लोगों के साथ गलत किया वो तो खूब मौज ले रहे हैं। आपको सिर्फ मौज दिखाई दे रही है, आपको वो कर्मों का फल नहीं दिखाई दे रहा जो वो भोगेंगे, और आप भी अपने आप को उसी भीड़ में खड़ा करना चाहते हो जो उसी सज़ा के लिए इंतज़ार करती है, और वो सज़ा उसे मिलती है। कोई किसी को वैसे बेवकूफ़ बना रहा है, कोई किसी को कैसे ठग रहा है, कोई किसी का रिश्ता ख़राब कर रहा है, कोई किसी के परिवार में जहर घोल रहा है, कोई किसी को भड़का रहा है। अगर आपने देखा होगा कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है झूठ बोलने की, या किसी के बारे में गलत षड्यंत्र रच के उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाने की, तो एक सेकंड के लिए हिचकते हैं बोलने से, फिर एकदम बोल देते हैं उस बात को। वही एक मोमेंट होती है जब उन्होंने अपने ज़मीर को दबा दिया होता है, उनकी आत्मा कह रही होती है कि तुम गलत बातें इस इंसान के बारे में मत फैलाओ, पर वो एक सेकंड का पॉज होता है एंड देन वो बक देते हैं, उल्टी सीधी कहानियां बना देते हैं, किसी का रिश्ता ख़राब कर देते हैं, भड़का देते हैं, बोलते बोलते रुकते रुकते बोल पड़ते हैं। आप नहीं बोलना चाह रहे, आपको कोई चीज़ रोक रही है कि आप कुछ गलत बोलने से पहले रुको, गाली देने से पहले रुको, सोचो, पर वो बहुत सेकंड्स के लिए होता है, आप नहीं रोक पाते एंड आप स्पिट आउट कर देते हो। अक्सर इसको अंग्रेज़ी में वर्ड वॉमिट भी कहा जाता है, शब्दों की उल्टी, और ये हमेशा नेगेटिव वे में ही होती है, किसी के खिलाफ़, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी की ज़िंदगी में परेशानियां घोलने के लिए, किसी के खिलाफ भड़काने के लिए। हर तरीके से लोग जो है आज गिरावट पे गिरे हुए हैं। आप अक्सर लोग कहते हैं ना कि अपने पर्सनल इंस्टेंसेस शेयर किया करूं आपके साथ, एक आपसे इंस्टेंस शेयर करता हूं। एक बारी की बात है, कॉलेज में मैं था, अपने लॉ कॉलेज की बात कर रहा हूं। एक असाइनमेंट था, वो करके लाना था, तो हमारी टीचर ने कहा कि भाई ये करके लाना है, अब करके क्यों नहीं लाए, या फिर उस डेट तक करके लाना है तो जो है इस, या फिर नहीं आप करके लाए तो ये होगा वो होगा, या उस दिन असाइनमेंट का टेस्ट है आपने आना है। इससे पहले मैं बोलूं कुछ, मेरे साथ एक पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि जो है मैम, इसने कहा है कि उस दिन ना इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और ये बस के नीचे आके मर जाएगा, या इसको चोटें आएंगी तो ये उस दिन असाइनमेंट देने नहीं आ पाएगा। और उसकी और मेरी दूरी के बीच में दो तीन बच्चे और बैठे हुए थे,
एंड उसने ये बात कही। वो लकीली वो टीचर बायस थी मेरे प्रति, नेगेटिव थी उनका एटीट्यूड, आई डोंट नो क्यों, या तो उनको इस बात की चीज़ नहीं पच रही थी कि भाई ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट होके क्यों पढ़ने आया है लॉ स्कूल में। तो उन्होंने उसको कहा, मैंने ये चीज़ कही भी नहीं, उसने ये चीज़ बना के अपनी तरफ से बोल दी, और वो भी इतनी बड़ी गलत बात, किसी के मरने की बात आप कह रहे हो एक छोटे से असाइनमेंट के ऊपर, और मैं मुंह से कह नहीं रहा, दो तीन बच्चे छोड़ के आप कह रहे हो, और वो उसकी बात सुन के कहती है, अगर अच्छा ऐसा भी हुआ ना तो भी आई वांट प्रूफ कि एक्सीडेंट हुआ है, मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी और मुझे डॉक्टर का और पुलिस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा इस बात को लेके कि ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, 0 नंबर लगाऊंगी। जब मैंने उस चीज़ को उसको नोटिस किया तो वो ये बकवास करने से पहले एक सेकंड का पॉज उसने लिया, वो हिचक रहा था बोलने से पर एकदम वो बोलता चला गया। तो ये होती है उसकी आत्मा की आवाज़ ने, ज़मीर की आवाज़ ने उसको शायद बोला होगा कि तुम किसी के विषय में झूठी बात, गलत बात, बकवास बात क्यों करने जा रहे हो। कोई भी इंसान एक टेस्ट या असाइनमेंट से बचने के लिए खुद को मारने की बात कहेगा क्या? और ऐसी वो टीचर जो कह रही है कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, जबकि वो सामने देख रही है कि मैं चुप बैठा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ उस औरत की भी आत्मा की आवाज़, उसका ज़मीर मर चुका था, तो उसने ये नहीं सोचा कि एक बच्चा बकवास कर रहा है दूसरे बच्चे के लिए तो मैं उसको रोकूं। इंस्टेड उसने कहा कि ठीक है अगर अच्छा ऐसा होता है तो मुझे एक वो भी दे देना सर्टिफिकेट प्रूफ का, नहीं तो मैं 0 नंबर लगा दूंगा। ये छोटी छोटी पॉलिटिक्स जो होती हैं चाहे स्कूल कॉलेज लेवल पे हो रही, ये भी एक बुरे कर्म में आती है। हर तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं सोच पाते कि ये छोटी छोटी बातें कितनी मायने रखती हैं। आप उसकी नफ़रत की इंतहा देखिए उस क्लासमेट की, वैसे वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, कानून की पढ़ाई कर रहा है, न्याय दिलाने की पढ़ाई कर रहा है, और वैसे वो मेरे मरने की कामना कर रहा है, वो भी बस से नीचे आके कुचल के। तो उसके अंदर की इंतहा नफ़रत देखिए, और वो भी नफ़रत क्यों थी, क्योंकि मैं उसको पेपर में नकल नहीं करवाता था, वो मेरे से आगे बैठता था, मैं उससे पीछे बैठता था, तो वो कहता था कि पेपर में पूरा पेपर मेरे आगे खोल के रख दे मैं नकल करूँगा। मैं कहता था मैं नकल नहीं करवाऊँगा, तुमने कुछ बनना है अपने बलबूते पे बनो, अगर आज तुम नकल करोगे तो तुम बाद में कोर्ट में क्या मुकदमा लड़ोगे। मेरी बस एक यही ना उसको घर कर गई और वो कट्टर दुश्मन बन गया मेरा कि नकल नहीं करवाता मुझे पेपर में, अगर ये नकल करवाए तो मैं आराम से मौत से वो हूँ। तो आप सोचिए उसने अपने ज़मीर को और क्या गिरा दिया कि वो पढ़ना नहीं चाहता, उसके माँ बाप भी पैसे खर्च कर रहे होंगे पढ़ाई पे हर चीज़ पे, पर उसने अपने ज़मीर को और दबा दिया कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट रहना है पास होने के लिए। इस विषय में मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि आपके बच्चे अगर नकल कर रहे हैं या आप कोई स्टूडेंट हो नकल करके पास हो रहे हो, आपने एडमिशन क्यों लिया, किसी के बेस पे लिया था कि अपने बेस पे लिया था, अपने लिए लिया था, कुछ बनने के लिए लिया था, कुछ सीखने के लिए लिया था। अगर आप कुछ सीखोगे ही नहीं, अगर आपको कोई चीज़ ग्रास्प ही नहीं होगी, नॉलेज ही नहीं मिलेगी, तो आप कैसे जीवन में कुछ कर पाओगे, कब तक नकल का सहारा लोगे, कितने लोग कहाँ तक आपको नकल करा देंगे। जीवन के थपेड़े इतने गहरे होते हैं कि अच्छा अच्छा इंसान ठोकरे खाता रह जाता है, चतुर से चतुर इंसान। हालांकि इन बातों को, इस समझ को लोग किताबी समझते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ हम अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा देते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी और के विषय में किसी के साथ भी गलत हो रहा है, अगर हम उस पर हंस रहे हैं, उसमें साथ दे रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी ज़मीर को दबाना ही है, ज़मीर को मारना है, आत्मा को मारना है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पड़ोसी किसी को तंग करने आ गया जानबूझ के, उसके साथ उसका दोस्त भी आ गया कि चल मैं भी करूं, उसका कोई लेना देना नहीं दोस्त का, पर वो भी चल दिया। यहाँ उसने अपने ज़मीर को दबा दिया, उसके आत्मा ने कहा होगा एक सेकंड के लिए कि तेरा कोई लेना देना नहीं बनता किसी थर्ड पार्टी को जाके धमकाने का, उसके साथ मिलके, पड़ोसी के साथ मिलके, जबकि तू उसका पड़ोसी भी नहीं है। तो तू किस राइट से जा रहा है, किस लिए किसी और अनजान इंसान पर प्रेशर बनाने जा रहा है। उसने अपनी आत्मा की आवाज़ को, ज़मीर को दबा दिया, वो उससे लड़ के झगड़ के अपने दोस्त का साथ दे के घर आ गया, ये एक बुरा कर्म हो गया।
और उसको पता भी नहीं कि उसके द्वारा कितना बुरा कर्म हुआ है। अब अगर उसके साथ ऐसी परिस्थिति प्लान होती है कि उसको परेशान करने के लिए कोई तीसरा या चौथा बंदा किसी मोड़ पे आता है ज़िंदगी में, तो वो भी ये सवाल करेगा कि ये क्यों आया, इसका क्या लेना देना, या इन लोगों ने मेरे को क्यों तंग किया, ये तो अनजान थे। वो सवालों के जवाब ढूंढता रह जाएगा, पर उसे कभी याद नहीं आएगा कि तूने भी ऐसा किया था। इसलिए कर्मों को एनालाइज करो, एक एक कर्म को समझने की कोशिश करो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सामने वाले पे, उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जिन पे इसका असर पड़ रहा है। कभी भी आप किसी के खिलाफ गलत करने जा रहे होते हो, जो वो एक दो सेकंड का पॉज होता है उस पे ध्यान दो, उन कॉन्सिक्वेंसेस को समझो, सामने वाले पे क्या बीतेगी, उसके परिवार पे क्या बीतेगी, हर चीज़ को समझो। आप उसकी जगह हो और आपके साथ ऐसा हो रहा हो और इस परिस्थिति में आप उसकी जगह हो तो क्या करोगे, और वो आपकी जगह हो तो क्या करेगा। ज़मीर की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ इसी तरह समझी जाती है, और जिस दिन आप ये समझ लोगे, आधे से ज़्यादा बुरे कर्म करना आप बंद कर दोगे, और यूँ कह लो कि आपके अच्छे कर्मों का स्तर बढ़ता चला जाएगा। हालांकि जीवन में बहुत छोटे छोटे इंस्टेंस हैं, मैंने आपको जो अपने कॉलेज लाइफ का इंस्टेंस दिया बहुत छोटा, ये मायने ही नहीं रखता, पर सही मायने में कर्मों के न्याय की अगर हम बात करें तो मायने रखता है। हम जिन चीज़ों को कह देते हैं बहुत छोटी बात है, यार स्कूल कॉलेज में सब चलता है, क्या तुम लेके बैठ गए, यार दोस्तों में चलता है, क्या तुम लेके बैठ गए, पर जब कर्म का न्याय होता है, एक एक चीज़ का हिसाब होता है, सुई की नोक अगर आपको लगी है ना किसी के द्वारा, उस तक का हिसाब होता है। तो इसीलिए कर्मों से डरो, अपनी आत्मा की और ज़मीर की आवाज़ को पहचानो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान इसी तरह मिलती रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत व्याधि से परेशान हैं, आप मुझसे अपनी धुनी मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी मंगवाइए, घर में जलाइए, हर तरीके की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, आप मुझसे पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में भी बात कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल सोशल ज्ञान बाय पुलकित भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ आपको कमाल की मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपको प्रोत्साहित करेंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।